आपका हमारे चैनल पर आपके फेवरेट सीरियल बनी चाओ होम डिलीवरी में अब बनी एक ऐसे पेपर्स लाकर माँ नीनी के सामने परिवार के सामने रखेगी जो उड़ा देगी सबके होश। अब बनी युवान है 50% पार्ट प्रॉपर्टी का ओनर और वो इसी को हक उसका हक दिलाते नजर आएगी। घर वाले इस बात का मजाक बनाते नजर आएंगे लेकिन अब यहाँ पर बनी एक ऐसे पेपर्स दिखाएगी जो उड़ा देगी सबके होश और इसमें और नहीं यहाँ पर दादू साहब उसकी मदद करते नजर आने वाले हैं। देखने को मिलने वाला है कि युवान को अगर कुछ भी होता है और उसको अगर कुछ भी किसी ने किया होता तो अगर उसकी जान को खतरा हुआ तो फिर से वो अगर उस मेंटली भी ऐसे हुआ तो उसकी सारी प्रॉपर्टी किसी और को नहीं अनाथ आश्रम यानी कि एनजीओ को चली जाएगी। तो देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर अब युवान के ना ठीक होने और अब यहाँ पर एक जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो बनी खुलासा करते नजर आएगी जिसका मारिनी को भी अंदाज़ा नहीं होगा और देखने को मिलेगा मारिनी इसी घटिया यहाँ पर देखने पेपर्स देख कर उड़ जाए उसके होश उड़ जाएंगे कि बनी के सामने पेपर्स कैसे आए और दादो साहब यहाँ पर लास्ट मोमेंट पर ही खुलासा करते नजर आएंगे कि यहाँ पर जो उसकी मोम की जो प्रॉपर्टी थी वो भी युवान की हो चुकी है यानी कि 75% की अब ओनर कोई और नहीं यहाँ पर युवान बन चुका है और 25% ही उसके पापा के पास रह गया जिसके बाद देखने को मिलेगा कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट क्योंकि दादूसा की 25% और युवान और उसकी माँ की 25% और उसके पापा की 25% थी जिसके चक्कर में यहाँ पर 75 युवान का हो चुका है और मानिनी के होश उड़ जाते हैं।